हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा में। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है आपका भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और इस टॉपिक को हम लोग कम से कम दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो पार्ट या तीन पार्ट हो सकते हैं, लेकिन दो पार्ट तो कम से कम होंगे ही इसके, क्योंकि वीडियो हम छोटा बनाते हैं। इस वजह से वही 20-25 मिनट के ऊपर वीडियो जाता नहीं, इस वजह से हमें दो पार्ट में इसको पढ़ना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरीके से भारत में शिक्षा का की शुरुआत होती है, फिर उसका विकास होता है, फिर उसका सबसे अच्छा समय आता है, और बीच बीच में शिक्षा मध्यम स्तर में भी पहुंच जाती है। तो इन सभी चीज़ों को, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चूँकि आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन में भारतीय शिक्षा का विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट समय की बात करें, तो उस समय भारत पूरी दुनिया का शिक्षा के रूप में विश्वगुरु था, अर्थात पूरी दुनिया का विश्वगुरु था। ये विश्वगुरु कहा जाता था भारत को। और उस समय आपको पता होगा कि तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में पड़ता है, तक्षशिला ये दुनिया का सबसे फेमस विश्वविद्यालय हुआ करता था। प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महानतम राजा जो हैं वो शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। और जहाँ के महानतम आचार्यों की अगर बात की जाए, तो चाणक्य जैसे महान आचार्य यहाँ पर शिक्षा दिया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही रहकर चाणक्य ने अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। नालंदा की बात करें, नालंदा जो है यहाँ कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के तीनों संप्रदायों की शिक्षा का ये केंद्र हुआ करता था नालंदा। और नालंदा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है दोस्तों, माना जाता था उस समय, चाहे वो आपका कोरिया हो, जापान हो, चीन हो, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ से जो आपके विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर नालंदा में पढ़ने आया करते थे। यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था थी, अर्थात उस जमाने में भी हॉस्टल यहाँ पर थे। और उस समय यहाँ पर आपका जो ह्वेनसांग है वो भी गया था, इत्सिंग है वो भी यहाँ पर पढ़ता है, तो कई जो चाइनीज़ यात्री हैं वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के अगर हम ये कहें कि इस निर्माण किसने करवाया, तो इसके बारे में एकदम क्लियर कहना उचित नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि गुप्त वंश के दौरान भी ये अस्तित्व में था, लेकिन हर्षवर्धन के समय में ये नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का फेमस विश्वविद्यालय था, और इसका पतन तहस नहस जो इसको किया था वो आपके एक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने कहा जाता है कि इसका तहस नहस किया था। बात बल्लभी की करेंगे, तो बल्लभी जो है ये दोस्तों मैत्रक वंश की राजधानी हुआ करती थी बल्लभी, और ये भी एक तरह यहाँ पर भी जो विश्वविद्यालय है ये भी काफ़ी फेमस हुआ। कांची की बात करेंगे तो कांचीपुरम जो है वो पड़ता है आपका, और ये कांची जो है वो पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। इस समय भी कांचीवरम या कांचीपुरम के नाम से विश्वविद्यालय ये प्रमुख केंद्र हुआ करता था। विक्रमशिला की बात करेंगे तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी, और ये विश्वविद्यालय भी काफ़ी फेमस हुआ। कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है, कुमारगुप्त ने यहाँ पर काफ़ी दान दिया था, तो कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई, पर यह सत्य नहीं है। तो ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी, कांची, विक्रमशिला। इसके अलावा उस जमाने में वैदिक युग जब हम पढ़ते हैं, वैदिक काल जब पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, आश्रम थे। अगर हम बौद्ध काल की बात करें, जैन काल की बात करें, तो समय मठों और विहारों में शिक्षा दी जाती थी। तो ये शिक्षा ग्रहण करने के स्थान हुआ करते थे। अब हम लोग बात करेंगे तो इस समय भारत जो है पूरी दुनिया का विश्वगुरु हुआ करता था, जिसकी बात अभी भी चल रही है हमारे भारत सरकार के द्वारा कि हम पुनः वही स्थान पाना चाहते हैं, और पुनः वही स्थान पाने के लिए हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है, और सरकार इसके लिए कई तरीके की योजनाएं भी चला रही है। अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल में मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो जौनपुर, अजमेर ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, और आगरा की बात करें तो ये भी काफी फेमस आपका शिक्षा का केंद्र हुआ करता था।
आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत होती है। आधुनिक का मतलब वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी शुरुआत, पाश्चात्य का मतलब वेस्टर्न अर्थात अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वो आधुनिक काल से ही हो जाती है। और उस समय कब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में शासन था उस समय भारत में आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। अब ये शुरुआत होती कैसे है, 1781 ईस्वी की बात करें तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है वारेन हेस्टिंग के द्वारा। सर्वप्रथम सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जो कि बंगाल का उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों हुआ करता था। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है। यहां कलकत्ता मदरसा में अरबी और फारसी का अध्ययन करवाया जाता था और इस कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है, जो वारेन हेस्टिंग्स का सहयोगी था। वारेन हेस्टिंग्स का सहयोगी था विलियम जोन्स, जिसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की जाती है। हम इसके बारे में अब डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। देखिए विलियम जोन्स जो थे वो इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष व संस्थापक दोनों हुआ करते थे। एक पत्रिका ये सोसाइटी प्रकाशित करती थी, इस पत्रिका का नाम था एशियाटिक रिसर्चेज, एशियाटिक रिसर्चेस। इसके तहत क्या किया गया कि इसने भारतीय जो अतीत है उसको प्रकाश में लाने का काम किया गया इसके द्वारा। तो एशियाटिक रिसर्चेस के द्वारा ऐसा काम किया गया और भारतीय अतीत को प्रकाशित करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि भगवद गीता का अनुवाद किया गया दोस्तों 1784 ईस्वी में विल्किंस के द्वारा। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। हितोपदेश का अनुवाद 1787 ईस्वी में किया गया विल्किंस के द्वारा। आपको बताना है कि हितोपदेश की जो कहानियां हैं वो किसकी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो 1789 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ही विलियम जोन्स ने किया। देखिए यहां पर विल्किंस के द्वारा किसका, भगवद गीता और हितोपदेश की रचनाएं या कहानियां, इनका अनुवाद किया जाता है अंग्रेजी में। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये नारायण दास करके एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये करा किया गया। और इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो कालिदास की रचना है और जिसमें शकुंतला के बारे में वर्णन किया गया है। अनसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया गया है। और गीत गोविंद की बात करें तो जयदेव की रचना है 1792 ईस्वी में, इसको 1789 में, इसको 1792 ईस्वी में, दोनों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया इसका, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, गीत गोविंद का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, विलियम जोन्स ने, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक अध्यक्ष थे। भगवद गीता हितोपदेश की बात करें तो विल्किंस के द्वारा अंग्रेजी में किया जाता है। इसके बाद 1794 ईस्वी में मनुस्मृति का अनुवाद किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, किसके, विलियम जोन्स की मृत्यु के पश्चात 1794 ईस्वी में, और किस नाम से किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर है। इसके बाद आगे बात अगर करें तो आगे 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया जाता है। ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन जिनके द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। वर्तमान में दोस्तों इसको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किसको, बनारस संस्कृत कॉलेज को। वर्तमान की बात करें तो ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हिंदी का और जो हमारी संस्कृत और हमारी भारतीय जो कल्चर है, धर्म साहित्य है, उसका प्रचार प्रसार करना, ये इसका उद्देश्य था। 1792 ईस्वी की बात करें तो सर्वप्रथम अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनाया गया, ये कहा गया। सबसे पहले ये विचार किसके मन में आया कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाए और अंग्रेजी जो है वो भारतीयों को पढ़ाई जाए, इस तरीके का सर्वप्रथम विचार जो है वो किसके दिमाग में आता है, तो दोस्तों चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में सबसे पहली बात आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इसको भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए।
इसके बाद 1800 ईस्वी की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेसली के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? कलकत्ता में की जाती है। दोस्तों ये वही वेलेसली है जिसने सहायक संधि लगा करके बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था लॉर्ड वेलेसली ने। 1813 ईस्वी की बात करें तो शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए पहली बार 1,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई। और 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है इसके तहत दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ईसाई धर्म के प्रसार प्रचार प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी लोगों को छूट दे दी गई थी कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हो सकता है इसी तरीके से ईसाई धर्म को अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई थी सबसे पहली बार 1813 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में इसी ईसाई मिशनरियों से प्रभावित होकर के राजा राम मोहन राय, जो कि नवजागरण के अग्रदूत जिनको कहा जाता है, मैंने इनके बारे में एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1817 ईस्वी में। और ये किसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने किया था? डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने किया था। और ये जो हिंदू कॉलेज है, ये हिंदू कॉलेज जो है, यहाँ पर किसी भी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध नहीं था, यहाँ धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, यहाँ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, किसी धर्म से संबंधित या शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि विवियन डेरेजियो जो एक विख्यात शिक्षक थे वो इसी हिंदू कॉलेज में ही पढ़ाते थे। इसके अलावा इसको आधुनिक शिक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत की बात करें तो डेविड हेयर ने, इसका मतलब है कि चाहे वो अरबी भाषा में हो, फारसी भाषा में हो, आपका हिंदी में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, सभी भाषाओं को शिक्षा देने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया, कोशिश किया गया डेविड हेयर की वजह से, इस डेविड हेयर के द्वारा। इसीलिए इनको कहा जाता है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया, किसी खास धर्म की शिक्षा नहीं दी गई, जैसे कि मदरसों में आपको अरबी फारसी की दी जाती थी मुस्लिम शिक्षा, और अगर बात करें संस्कृत विश्वविद्यालयों में आपके गुरुकुल में जो है वो संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी जो कि एक विशेष धर्म से संबंधित थी। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था ये नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत डेविड हेयर ने दिया। इसके बाद दोस्तों एक विवाद ये हुआ, प्राच आंग्ल विवाद। ये क्या है कि कुछ लोग ये चाहते थे कि जो भाषा है भारतीयों की, वो भारतीयों की भाषा में होनी चाहिए और जन जन तक इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, अर्थात जन जन तक ये शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जबकि एक गुट ऐसा था जो ये चाहता था कि नहीं, ये जो शिक्षा है ये शिक्षा पाश्चात्य विद्या के द्वारा अर्थात अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। और इसके समर्थकों की बात करें, प्राची विद्या के समर्थकों की, तो प्राच का मतलब प्राचीन से समझ सकते हैं। समर्थकों की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो इसके समर्थकों में से थे जिन्होंने कोशिश किया था। ये इनका मानना था कि शिक्षा जन जन तक, सामान्य आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, और इनका उद्देश्य था कि हिंदू व मुस्लिम साहित्य का पुनरुत्थान हो। बहुत सारा हिंदू और मुस्लिम जो साहित्य है, जो अरब साहित्य है, भारतीय साहित्य है, उसका पुनरुत्थान, दोबारा उत्थान किया जाए, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन जब बात करें आपके पाश्चात्य की, तो पाश्चात्य के जो समर्थक थे लॉर्ड मुनरो, एल्फिस्टन, लॉर्ड मैकाले, इनका उद्देश्य था कि रंग व रक्त से भारतीय पर विचारों से अंग्रेज होनी चाहिए। शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए? रंग व रक्त से, अर्थात व्यक्ति के कलर से और उसके ब्लड से तो ये भारतीय होनी चाहिए, लेकिन विचारों से कैसी होनी चाहिए? ये विचारों से अंग्रेजी होनी चाहिए। मतलब कहने का कि मूल भावना जो है, मूल भावना व्यक्ति के विचार होते हैं, आप भाषा उनके दे दो, हर तरीके उनके दे दो, लेकिन मूल जो विचार हैं, जो थॉट हैं, जो थॉट्स हैं, वो अंग्रेजी शिक्षा के होने चाहिए, ऐसा मानना था लॉर्ड मैकाले का। और लॉर्ड मैकाले ने दोस्तों कहा भी था कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। देखिए कितनी बड़ी बात इसने कही कि यूरोप के एक पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब साहित्य से भी बढ़कर मूल्यवान है, इनसे भी ज़्यादा मूल्यवान है, ये इसका मानना था। तो ये चाहता था कि विचार जो हैं वो अंग्रेजों के होने चाहिए, लेकिन भाषा आप भले उनकी दे सकते हो, भाषा वैसे अंग्रेजी की बात की गई है, तो रंग रूप आप भारतीय कर सकते हो, लेकिन उसके विचार जो हैं, थॉट्स जो हैं शिक्षा के, वो अंग्रेज आपके अंग्रेजों के होने चाहिए, ऐसा मानना था लॉर्ड मैकाले का। और इसने एक सिद्धांत भी दिया, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको इनफिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत अंग्रेजी में इनफिल्ट्रेशन थ्योरी।
प्रतिपादक ये लॉर्ड मैकाले था, लागू इसको लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था कि आप सभी लोगों को शिक्षा मत दीजिए, सभी लोगों को शिक्षा दी भी नहीं जा सकती है, आम जनमानस को प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ऐसा संभव नहीं है। इसका मानना था कि आप उच्च वर्ग के भारतीय जो हैं उनको आप शिक्षित कर देंगे तो उनसे छन छन करके जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग तक के लोगों में पहुंचेगी। और इसी सिद्धांत को इसने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का दिया, फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा इसने कि उच्च वर्ग को आप शिक्षित कर दीजिए, वो फिर अपने निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षित कर देंगे, तो हमें उनको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि इसका काफी विरोध आया हुआ, ये असफल हो गई ये नीति, और 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसके बाद इस नीति को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, मैंने इस छोटे से वीडियो में भारत में शिक्षा का विकास की शुरुआत किस तरीके से होती है उसकी यहाँ पर चर्चा की। सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके के कौन कौन से आयोग बने, जैसे हाटोग आयोग है आपका, हंटर आयोग है, इसके अलावा राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियार आयोग है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस तरीके के जितने भी टॉपिक हैं वो सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में और इतने ही मैटर के साथ में आपसे विदा लेता हूं, अर्थात यहां पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच।